नमस्कार। महम्मदपुर ओवरब्रिज का स्थिति आज आप लोगों ने देखा, मैं विगत कई सालों से मैं भी देखता आ रहा हूं, कई धरना भी हुआ, कई आंदोलन भी हुआ, लेकिन वो क्यों हुआ? सिर्फ राजनीति चमकाने के लिए हुआ था। क्या हुआ? 5 साल पूजने वाला है विधायक जी का, एक ओवरब्रिज के नीचे का रोड भी नहीं बन सकता है ठीक से। जब भी लाइव आते हैं तब भी तो यही देखते हैं हम कि 100 करोड़ रुपया यहाँ दे दिया गया, 500 करोड़ वहां, 200 करोड़ वहां, मैंने करोड़ के नीचे आज तक मैंने उनकी बातों को नहीं सुना। ऐसा क्यों? कितना पैसा लगेगा महम्मदपुर ओवरब्रिज के नीचे खर्च करने में? एक विधायक चाहे तो कितना देर का काम है बताइए। इस पे सवाल उठना जायज है, क्योंकि वो रोड जो है पूरे बैकुंठपुर विधानसभा और कई जिला आने जाने का एक रास्ता है। बैकुंठपुर के लोग का वो हब है महम्मदपुर चौक, वहां अगर ये स्थिति रहेगी तो फिर राजनीति करने से फायदा क्या है? मेरा नम्र निवेदन है, हाथ जोड़ के समय रहते इसको पूरा किया जाए, नहीं तो लॉकडाउन खत्म होते ही सबसे पहले मैं कहीं बैठूंगा तो उसी पानी में आकर के अनशन करूंगा। आप जानिएगा मेरा इतिहास, देख लीजिएगा जयप्रकाश विश्वविद्यालय, जब जब जरूरत पड़ता है तो मैं लड़ने के लिए तैयार रहता हूं। और बैकुंठपुर में अब ऐसा नहीं होगा कि आप मुद्दा से भटक के दूसरे जगह ले जाइएगा, वहां के नौजवान जग चुके हैं, जवाब देने के लिए तैयार हैं। इसलिए इधर उधर की बातें नहीं होनी चाहिए, बात विकास की होनी चाहिए, बात काम की होनी चाहिए। मेरा नम्र निवेदन है, आग्रह है उनसे, वहां के नेतृत्वकर्ता से जल्द इस काम को पूरा किया जाए, नहीं तो आंदोलन बहुत बड़ा होगा उसको लेकर। बहुत धन्यवाद।